सो जब हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ या मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मैं कहाँ क्या चीज़ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। कुछ हमें पता नहीं होता, हम बहुत क्लूलेस होते हैं और जब हम इंटरनेट पर जाते हैं उसे सर्च करने के लिए तो हमें बहुत सारी एडवाइसेस सुनने को मिलती है और हमें अगेन हम और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि भाई कौन सी एडवाइस मेरे लिए एग्जैक्टली काम करेगी। टेलर्ड एडवाइजेस बेसिकली इंटरनेट पे इतनी मिलती नहीं है। सो इस वीडियो में मैं अपने कुछ 10 हैबिट्स, चेंजेस, एडवाइजेस, टिप्स, वट एवर यू वॉन्ट कॉल इट, वो शेयर करने वाली हूँ सो दैट आप अगर एज अ बिगनर अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्लैरिटी मिले बेसिकली कि कहाँ से पहले शुरू करना चाहिए, क्या चीज़ें मुझे अपने दिमाग में रखनी चाहिए वाइल स्टार्टिंग विद माई सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी एंड हाउ टू बेसिकली स्टे कंसिस्टेंट विद इट। सो या लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला है टू नो योर वाई। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हम किस रीजन से खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उस चीज़ को करने में कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। तो इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट कि हम बेसिकली अपने अंडरलाइंग रीजन को समझ पाएं कि क्यों हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या आपको पैसे चाहिए इस वजह से, क्या मतलब क्या आपकी कोई मजबूरी है, या आप जेन्युइनली खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, या आप एक क्यूरियस इंसान हो और देखना चाहते हो कि कैसे मैं जब अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाऊंगा या ज़्यादा नॉलेज गेन करूंगा तो मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को ऑपरेट करूंगा या मेरे देखने का नज़रिया कितना बदलेगा। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं बट अगर तो कोई बहुत ही वैलिड रीज़न हुआ तो जाके आप उस चीज़ को करने में कंसिस्टेंट रह पाओगे, वरना बीच बीच में आप हमेशा प्रोकेस्टिनेट करते रहोगे, डीमोटिवेटेड फील करोगे। अगर तो बहुत ही फालतू से रीजंस हुए कि नहीं भाई किसी को बस जलाने के लिए मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, दो दिन से ज्यादा नहीं टिक पाओगे, सच बोल रहा हूँ। तो इट इज मच बेटर कि हम बेसिकली समझने की कोशिश करें कि हम किस वजह से खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देयर इज जस्ट वन वे टू फाइंड व्हाट इज योर व्हाई इज बाय बेसिकली रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड्स। अभी जब व्हाई की बात आती है तो इट कनेक्ट्स विद योर पर्पस एंड आप बेसिकली दिल से क्या करना चाहते हो, है ना। तो जब आप बाहर की आवाज सुनते रहोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका दिल बोल क्या रहा है आपसे। तो जब आपको दिल को सुनना है तो एटलीस्ट शांति से एक जगह पे बैठ के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक पेन और पेपर लेके अपने थॉट्स तो लिखने ही पड़ेंगे ना। जर्नलिंग करने ही काइंड ऑफ मैं बोल रही हूँ, बट दीज विल बी लाइक अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको खुद से पूछने पड़ेंगे कि भाई डीप डाउन मैं चाहता क्या हूँ जिंदगी से करना है, या मुझे एक्चुअल में क्या चीज़ें करना पसंद है, क्या चीज़ करते करते मैं कम से कम भी 3-4 साल बाद भी बोर नहीं होऊंगा। कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखाती हूँ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आस्क योरसेल्फ दीज डीप क्वेश्चंस सो दैट यू कैन गेट अवेयर ऑफ व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ एंड हाउ टू नो योर व्हाई। एक और तरीका है कि आप चैट जीपीटी पे जाके एक प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो कि मैं इतने इतने साल का हूँ एंड दीज आर माई हॉबीज, दीज my interest, this is how my lifestyle is, can you please help me with some questions which can help me find my why and what should I do in my life। फिर वो ऐसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे देगा, उनके आंसर्स बैठ के आपको खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है। जब तक आप पता नहीं लगाओगे कि एग्जैक्टली आपका रीजन क्या है खुद को इम्प्रूव करने का, आप इसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। और एक बहुत ही फ्यूचर की एक टिप बस बता देती हूँ कि जब हमारा जो वाई है वो हर टाइम पे चेंज होता रहेगा। कि जैसे अगर आप एक 20 की एज में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बहुत ही एग्रेसिव एज होती है जिसमें आप या तो पैसा चाहोगे या तो किसी को प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो उस समय पे आपका जो वाई है वो काफ़ी अलग होगा। बट जैसे आप 25 या 28 के होगे, आपके पास ऑलरेडी थोड़ा पैसा होगा, तो तब आपका जो वाई है वो चेंज हो जाएगा। मे बी यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो आप फिर उस तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर दोगे। तो हमेशा ये जो वाई या आपका जो विजन या पर्पस, ये जो है ना, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि भले ही आप लाइफ के किसी भी फेज में क्यों ना हो, अर्ली 20s में हो, लेट 20s में हो, बट वाई का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत बार बोल दिया ये चीज़, बट हाँ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देन द सेकंड इज टू क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस मुझे तब पता चली जब मेरा खुद का मॉर्निंग रूटीन बहुत बेकार हो गया। जैसे बचपन में हमेशा स्कूल मेरा 7 o'clock का होता था, कॉलेज भी मेरा 7 o'clock का होता था, जब मैं मास्टर्स करी थी वो भी 7 o'clock, मुझे इनफैक्ट ऑफिस भी कम से कम भी 9 बजे पहुंचने के लिए घर से 5 बजे उठ के 7 बजे निकलना पड़ता था। मतलब आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन ऑल द टाइम, बट जैसे ही मैंने जॉब छोड़ के कॉन्टेंट क्रिएशन करना शुरू किया, ओ माई गॉड, मैं 11 बजे सो के उठती हूँ, रात के 3 बजे सो रही हूँ, इतनी ख़राब मेरी स्केड्यूल हो चुकी थी। एंड आई वाज लाइक भाई आई नीड टू चेंज, एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, जो मैं सुबह ही जाती हूँ, एंड दैट्स हाउ अगेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ मॉर्निंग रूटीन विच हैज़ अ पर्पस बेसिकली। अब इस पर बहुत सारी स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं कि क्यों स्लीप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्यों आपका जल्दी उठना और सनलाइट लेना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहती, बट येस आई वुड से कि अगर आपका मॉर्निंग रूटीन ख़राब है, प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग
टू मेक इट मोर पर्पजफुल हैव अ रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड मेक श्योर दैट यू स्टिक टू अ गुड मॉर्निंग रूटीन एज वेल. एंड मैंने ना सुनील छेत्री का एक पॉडकास्ट भी देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि अगर तुम एक अच्छी हैबिट अडॉप्ट करते हो तो उसके साथ तुम 10 अच्छी और हैबिट्स भी साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हो. एंड आई फील दैट दिस इज सो राइट, क्योंकि जब मैं रूटीन की बात करूँ, मॉर्निंग रूटीन की बात करूँ, तो बेसिकली मैं यही बोल रही हूँ कि एक अच्छी हैबिट विच इज वेकिंग अप अर्ली, देन टेकिंग सनलाइट, देन ड्रिंकिंग मोर वाटर, and then having a breakfast or doing your skincare or maybe writing a little positive affirmation for yourself, ye jo cheeze hain ye incorporate karna shuru kar do basically. Plus ek routine follow karna itna bhi easy nahi hota, agar to aap wo karte ho to basically you are respecting yourself and the more you respect yourself the world will also respect you. Then the next is positive self talk. I can't stress on the fact कि कितना important है अपने आप से एक ऐसी promise बनाना कि मैं किसी भी situation में क्यों ना हो या कितनी भी बुरी मेरी environment क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, मैं अपने बारे में कभी बुरा नहीं बोलूँगा या बोलूँगी. It is so important कि आप अपने words का ध्यान दें. मतलब जितनी जल्दी और जितना deeply आप इस बात को समझ जाओगे कि आपके जो words हैं उनमें actually power है, these are like mantras, तो आप जितने negative शब्द अपने लिए repeat करते जाओगे ना, you might manifest that in real life. And maybe this could be one of the reasons that you are not able to grow in your life. Be it in money aspect, be it in relationship aspect, be it in self growth aspect. किसी भी तरीके में अगर आप नहीं ग्रो कर पा रहे, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि एम आई सेइंग समथिंग बैड टू माई सेल्फ. अगर तो हाँ, तो फिर आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट चेंजिंग द वे यू स्पीक टू योरसेल्फ. पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बट हियर आर अ लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर टॉक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड आई नो दैट इट इज ईजियर सेट देन डन, कि बहुत आसान है कि मैं बोल दूँ कि भैया मेरा अपने लिए पॉजिटिव बोलते रहो. मैं भी कभी कभी उस लूप में चली जाती हूँ कि जिस दिन काम कुछ भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, देन आई एम लाइक दृष्टि इतना सा भी काम नहीं होता तेरे से, ये वो ये वो. बट आई थिंक नेगेटिव थॉट्स आना इज वेरी नॉर्मल. एक ह्यूमन के लिए नेगेटिव इमोशंस और ये सब चीज़ों से गुजरना इज प्रीटी नेचुरल. तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से मेरा मतलब यही है कि बेसिकली यू नो द आर्ट कि भाई पाँच मिनट से ज़्यादा तो मैं अपने आप के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता. मतलब बेसिकली रिपीट नहीं करते रहना है हमें वो चीज़ें, क्योंकि आप रिपीट करते रहोगे तो वो एक मंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट इज़ मच बेटर दैट यू लर्न हाउ टू ट्रिक योर माइंड इन टू बींग more positive or looking for the positive aspects even in the negative situation. Then the next is to focus on one daily win. जब भी हम अपने आप को improve करने की एक पूरी journey में होते हैं तो वो अब बहुत ही लंबी journey. एक तो पहली चीज़, मुझे खुद 4-5 साल लग गए अपने आप को train करने में, अपने brain को reprogram करने में. और 4 साल मतलब ऐसे कोई छोटी बात नहीं होती, 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है. तो इतने लंबे समय तक patience दिखाना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई जब तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे उसके बावजूद भी यू आर डूइंग एंड ट्राइंग इन द होप कि भाई कभी ना कभी तो ये काम कर जाएगा. सो वाइल बीइंग ऑन आवर जर्नी वी यूजुअली गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज द प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो ऐसा ना हो इस वजह से आई थिंक जस्ट टू बी ऑन अ लिटिल पॉजिटिव एंड द ऑप्टिमिस्टिक साइड वी शुड जस्ट फोकस ऑन one daily win every day. इससे मतलब मेरा ये था कि just try to shift yourself more into the optimistic side, जहाँ पे आप बस ये सोचते हो कि जिंदगी में चाहे जितने भी दुख क्यों ना हो, एटलीस्ट ये चीज़ मैंने कर ली ना पूरे दिन में, तो मेरा दिन अच्छा ही जाएगा एंड आई शुड सेलिब्रेट इट बेसिकली. मेरे केस में अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो चाहे कुछ भी चल रहा हो कि मैं प्रोकेस्टिनेट कर रही हूँ, कुछ ये हो रहा है, कुछ हो रहा है, या चीज़ें ढंग से हो नहीं रही हैं, बट एटलीस्ट मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया आज अपना, और मस्त 1 घंटे का काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया. सुबह जल्दी उठी और मैंने ये काम किया. इट इज़ अ विन फॉर मी. अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि लाइफ है, हम सारी चीज़ें तो इसमें कंट्रोल नहीं कर पाते. कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उसको लेके फिर हम बैठे रहते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अभी मैं क्या करूँगा, या क्या हम फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. बट कंट्रोल में है हमारा रूटीन या क्या हम एक्शन डाल सकते हैं, बस उतनी ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में. तो बेसिकली जब आप डेली एक डेली विन को सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको उन चीज़ों को सेलिब्रेट करना है कि जो आपके कंट्रोल में है बेसिकली. अगर आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जो आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी की तरफ एक कदम आगे लेके जा सकता है, आपको उस डेली विन को सेलिब्रेट करना है. देन द नेक्स्ट इज टू लिमिट योर स्क्रीन टाइम एंड डिस्ट्रैक्शंस. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. आई फील के इट इज वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन टूडेज वर्ल्ड. कुछ भी आलतू फालतू का कॉन्टेंट देख लो, इतना शॉर्ट डोपामीन मिल जाता है, बहुत ईजी है यहाँ पे किसी को भी फालतू फालतू चीज़ों में उलझा के रखना बेसिकली. तो इट इज़ मच बेटर दैट यू ट्राई टू
control your screen time, you try to control all the distractions, you try to control all the people who are draining that negative energy from you basically. क्योंकि जब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, which means हम high vibration में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम hard work की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड अगर हम ऐसी चीज़ों में अटके रहे जहाँ पे बेसिकली चीज़ें हमें पुल डाउन करने की कोशिश कर रही है, हमें हार्डवर्क से ज़्यादा लेजीनेस यू नो उसमें डालने की कोशिश कर रही है, तो इट वुड यू नो जस्ट बैकफायर ऑन यू एंड फिर आप और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर उस लूप में फंस जाओगे, फिर वहाँ से बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इट इज़ मच बेटर दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू लिमिट योर स्क्रीन टाइम एंड हाउ टू लिमिट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस और ऑल द पीपल who are basically toxic in your life. Phone screen time को limit कैसे करना है उसके ऊपर मैंने already एक video बनाया, उसमें मैंने पूरा explain किया है कि कैसे basically आप अपने फ़ोन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, कैसे वो नॉट इंटरेस्टेड या डिसलाइक बटन या अपने बेसिकली अपने फ़ोन के एल्गोरिदम को कैसे हैक कर सकते हो सो दैट आपको हमेशा अच्छा कंटेंट या मोटिवेशनल कंटेंट ही दिखाई दे आपके फ़ोन में. तो जब आप फ़ोन यूज़ भी करते हो एंड आपका जो स्क्रीन टाइम है वो फिर बेसिकली एक प्रोडक्टिव फ़ोन बन जाएगा. तो आप स्क्रीन टाइम भले ही 3 घंटे का क्यों ना हो, एटलीस्ट आपको पता होगा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, अच्छी चीज़ पे लगा है. देन द नेक्स्ट इज टू रीड मोर बुक्स. अभी जब भी आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको, आप तो क्लूलेस हो, आपको तो पता नहीं कि कहाँ पे क्या करना है, तो आपको गाइडेंस के लिए कोई ना कोई तो इंसान चाहिए. एंड आपके पास लर्निंग के लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कि या तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, या तो आप पॉडकास्ट वीडियोज़ वगैरह कंज्यूम करो, या तो फिर आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या तो आप ऐसे लोगों की किताबें पढ़ो जो कि ऑलरेडी अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने कुछ फेल किया है, कुछ सीखा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यू नो अपना नॉलेज पूरा एक्यूमुलेट करके उस किताब में लिखा है, एंड फिर आप उस किताब को पढ़ोगे और उसमें से नॉलेज गेन करोगे. तो आई फील दैट रीडिंग बुक्स इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू gain knowledge from a person who is already experienced in that field. अपने चैनल पे मैंने बुक्स के बारे में बहुत बातें की हुई हैं, बहुत सारे बुक रिकमेंड भी किए हैं फॉर बिगनर्स एंड बुक्स दैट आर अंडर 100 rupees और 150 rupees. तो जाके एक बार चेक कर लो एंड कुछ ऐसी बुक के सजेशंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो यू कैन ट्राई buying them and try reading them. If you are a complete beginner, I would suggest ki at least books padhna to start kar hi do. Then the next is to engage in a physical activity. Ye cheez maine morning routine mein bhi boli thi ki subah jaldi utho, exercise karo, pani piyo, blah blah blah. But isko maine ek alag pointer mein bhi dala hai kyunki I feel ki mental health ke saath saath apne physical health pe bhi zyada dhyan dena chahiye, kyunki problem ye hoti hai ki jab aap हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हो तो आपकी बॉडी जवाब देना बंद कर देगी अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो. आपको बहुत लेजीनेस, प्रोकेस्टिनेशन फील होगा क्योंकि या तो आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी या तो फिर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे होंगे बेसिकली. एंड बाय फिजिकल एक्टिविटी आई डोंट मीन कि भाई जिम ही चले जाओ या योगा कर लो या क्या, इतने बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट स्मॉल कि लेट्स सपोज आप अगर लिफ्ट यूज़ करते हो अपने घर के लिए या कहीं के लिए भी, तो हमेशा सीढ़ियाँ यूज़ करना शुरू कर दो. मतलब अगर 50th floor पर जाना है तो ऑफकोर्स सीढ़ी से तो नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट 3-4 floors सीढ़ी से चले जाओ, उसके बाद लिफ्ट लेना शुरू कर दो. या फिर अगर सपोज कि आपका जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा पास में है तो ऑटो लेने की जगह पैदल चल के चले जाओ. ऐसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स आप बेसिकली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जिससे आप अपने फिजिकल हेल्थ की थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी शुरू कर दो, क्योंकि 20 से 30 तक की एज में हम लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं कि हमें करियर बनाना, ये करना है, और इस वजह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते. फिर 30 के बाद ना थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है. तो इट इज़ मच बेटर कि हम ऑफकोर्स अपने करियर के साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ की भी ध्यान दें. आप एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी. अगर सपोज आप स्क्रोलिंग भी करना चाहते हो अपने फ़ोन में, थोड़ा इंस्टाग्राम देखना चाहते हो, तो रैदर देन सिटिंग एंड स्क्रोलिंग ऑन द काउच, गो फॉर अ वॉक. अपने कमरे में ही ऐसे वॉक करते करते स्क्रोल करना शुरू कर दो, तो एटलीस्ट कुछ कुछ तो आप प्रोडक्टिव कर रहे होंगे. मुझे नहीं पता कि किस हद तक प्रोडक्टिव है, बट इट मच बेटर देन सिटिंग ऑन द काउच लाइक दिस एंड स्क्रोलिंग. तो इट इज मच बेटर चल के स्क्रोल करना शुरू कर दो. देन द नेक्स्ट इज टू ड्रिंक मोर वाटर. ये चीज़ के बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये चीज़ मुझे अब जाके पता चल रही है कि पानी कम पीने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बॉडी में. आप लोग को अगर नहीं पता हो तो मैं अपने वेट गेन जर्नी पे हूँ एंड मैंने रियलाइज़ किया कि डाइट और ये मेंटल हेल्थ और ये एक्सरसाइज और ये सब एक जगह और पानी ज़्यादा पीना एक जगह. आई मीन दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अभी मैं इसके पीछे के साइंस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानना चाहती क्योंकि मुझे इस वीडियो को थोड़ा लाइट हार्टेड बनाना है. बट येस, ड्रिंकिंग मोर वाटर इज़ नेसेसरी फॉर योर बॉडी. एंड मेरे केस में प्रॉब्लम ये होती है कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि भाई मुझे पानी भी पीना है.
So there is this app that I've recently downloaded. It's not sponsored by the way, which is called Habitify. तो उसमें मैं बस notification डाल देती हूँ कि मुझे दिन के इतने लीटर पानी पीना है एंड वो फिर मुझे नोटिफिकेशन करता रहता है हर एक घंटे में रिमाइंड करने के लिए कि भाई अभी मुझे पानी पीना है. तो दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट वे जहाँ पे मुझे लगा कि ठीक है पानी ज्यादा पीने का ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये कि आप हमेशा अपनी बॉटल अपने पास रखो सो दैट आप रिमाइंडेड रहो कि भाई पानी पीना है. आई थिंक ये तो सबसे इजीएस्ट टिप थी. ये तो आप रिगार्डलेस आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे हो या ना हो ये तो इजिली आप फॉलो कर ही पाओगे अपने रूटीन में. देन द नेक्स्ट इज टू राइट अ जर्नल. Now I can't stress enough on this fact as well ki how important it is to write a journal, specifically gratitude journal ki main agar baat karu to raat ko sone se pehle main gratitude likhna prefer karti hu. Iske upar bhi again main zyada deep mein zyada science explain nahi karna chahti, but it is much better if you start writing journal. It will help you to be more self aware, be more reflective ki bhai aap exactly kis tarike ke insaan ho ya aap zindagi mein kahan ja rahe ho ya kahan jana chahte ho. Har ek cheez ki aapko clarity mil jayegi, aap itne confused nahi rahoge apne life. एक बिगनर्स गाइड ऑन हाउ टू राइट अ जर्नल इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई कि आप किस तरीके के नोटबुक्स यूज़ कर सकते हो और किस तरीके के प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो या जर्नलिंग वाली हैबिट में बेसिकली कंसिस्टेंट कैसे रहना है. मेरे केस में मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना प्रेफर करती हूँ रात को सोने से पहले. इट बेयरली टेक्स 3 to 5 minutes. बस एक कोई भी रैंडम सी नोटबुक ले लो, प्लेन नोटबुक, उसमें ऊपर एक डेट लिख दो एंड उस दिन में जो भी चीज़ें अच्छी हुई हैं आपके साथ या बुरी हुई हैं या जिन भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो वो चीज़ों को लिस्ट डाउन करते रहो. नाउ ग्रैटिट्यूड इज समथिंग दैट आई लाइक टू फोकस ऑन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वो वाइब्रेशन वाला चार्ट भी देखते हो ना तो उसमें हाईएस्ट वाइब्रेशन जो है वो जॉय और पीस इन चीजों के लिए और वो आपको तभी आती है जब आप ग्रेटफुल होते हो उन चीजों के लिए जो आपके पास जिंदगी में ऑलरेडी है. आप अपनी लाइफ में आगे तभी बढ़ पाओगे जब आपके पास ऑलरेडी जो चीजें हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल रहोगे. अगर आप उनमें भी कंप्लेन करते जा रहे हो कि यार क्या ही दिया है मेरे को, क्या बकवास से जिंदगी जी रहा हूं मैं, तो फिर आप कैसे इंप्रूव कर पाओगे. पहले तो आपको वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा ना, तो वो ग्रेटिट्यूड के थ्रू ही आएगा कि भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस हैंड्स एंड आईज एंड लेग्स एंड एवरीथिंग. मैं बताती हूँ मेरा एल्बो इंजर हो चुका था एंड आई कुडंट मूव माय हैंड फॉर अ मंथ और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे हाथ और पैर सही से चल रहे हैं. मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हम इसे इग्नोर कर देते हैं ना उनकी कितनी वैल्यू होती है ये हमें तब पता चलता है जब ये चीज़ें हमसे छिन जाएंगे. तो इट इज़ मच बेटर कि हम उन चीज़ों के लिए पहले ही ग्रेटफुल रहे. देन द लास्ट इज टू ट्रैक योर प्रोग्रेस. अगर हमने पूरा प्लान बना लिया, हमने एक्शंस भी ले लिए, सब कुछ कर लिया, बट हम प्रोग्रेस ही ट्रैक नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं कि भाई हम कंसिस्टेंट रह भी पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे, या हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, या क्या हैबिट मेरे लिए सही है कि गलत है, कि काम कर रही है नहीं कर रही, कैसे पता चलेगा. एंड प्रोग्रेस ट्रैक करने के 2-3 तरीके हैं. पहली तो आप हैबिटिफाई ऐप में ही जो भी हैबिट्स आपने डाली हुई हैं उनको चेक कर सकते हो, मंथली डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो. दूसरा तरीका है कि आप अपनी जर्नल्स बेसिकली रेफर कर सकते हो कि आपका मूड किस तरीके का था, आपके दिन किस तरीके के जा रहे हैं. तीसरी चीज़, मैं पर्सनली एक हैंडमेड चार्ट बना के रखती हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन कर देती हूँ कि इस दिन पे ऐसे हुआ था, इस दिन पे वैसे हुआ था, एंड फिर मैं एंड ऑफ द मंथ वो चार्ट जाके रेफर कर लेती हूँ. तो जो भी तरीका आपको बेसिकली ईजी लगता है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने का, अगर मेरे पास कुछ और आइडिया या कुछ अच्छे यूट्यूब वीडियोज के लिंक हुए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो. बट येस, tracking your progress is as important as knowing your why and all the other things that I've added in the checklist. And yeah, these were the 10 things that you can do in order to improve yourself. And light abhi kafi dim ho chuki hai kyunki yahan pe barish ka mausam ho chuka hai, so I can't help, ye jo hai wo hai. Anyways, if you guys like such kind of videos जहाँ पे मैं बहुत candid होके you know 10 चीज़ें बता रही हूँ और वो tips काफ़ी ज़्यादा helpful हों, तो do let me know in the comments. अपने comment में takeaway ज़रूर मुझे बताना and बताओ कि आप इन 10 चीज़ों में से कौन सी ऐसी 3 habits या 3 advices हैं जो पहले incorporate करना शुरू करोगे. By the way, 10 चीज़ें तो मैंने बताई हैं, 10 की 10 एक साथ ऐसे कि एक ही दिन में खुद को इम्प्रूव कर दूंगा वाला एटीट्यूड मत लेके जाना. ये 10 चीज़ें चेकलिस्ट की तरह समझो इनको, जो भी चीज़ें आपके रूटीन के हिसाब से आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो भी मैच करती है वो चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड यार, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. दिस इज द समरी ऑफ द वीडियो. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. स्टे ट्यून्ड, सी यू सून. बाय.